चल रहा, और तो कोई आया नहीं। आ जा, काफी दिनों बाद यहाँ वहां पे बकरियां चल रही है यार। बड़ी गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम ऑल्सो फाइन। आज मैं आया हूँ ट्रैकिंग पे एक नई जगह। वैसे गाइस, इसका जो व्यू है बहुत प्यारा आ रहा है, बहुत प्यारा। पीछे से हाईवे जा रहा है, जयपुर अहमदाबाद हाईवे। ये यहाँ के पहाड़ वगैरह है। डोगू भी अपने साथ आ रहा है। आ जा, दिस व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, इसके पीछे का भी सब दिखाऊंगा और आगे का भी। चलते हैं अभी ऊपर। ये वो कुछ नहीं होता, देखो नेचर है तो नेचर के अंदर, वो तो उनका घर है, चीते भालू वगैरह वो तो रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, वो तो रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे। बट अगर तुम, आई जस्ट केम हियर फॉर दिस व्यू मैन, जस्ट लुक एट दिस व्यू, दिस ग्रेट। तो बेसिकली मैंने अब तक तुम लोगों को इस पहाड़ के बारे में तो बताया नहीं कि मतलब ये किस चीज़ की ट्रैक है, क्या है यहाँ पे। कुछ नहीं, एक छोटा सा पहाड़ है, ऊपर जाके सूर्य मंदिर है एक, और एक महादेव जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है ऊपर। इसको बोलते हैं पिसवान जी महादेव। और इसकी साइड में एक माता का मंदिर भी है। इसी पहाड़ के जस्ट साइड में एक और पहाड़ है, उस छोटा, उसका नाम है मातर माता जी मंदिर। और ये सिरोही में मतलब फेमस है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। बट अभी मैं यहाँ पे अकेला हूँ और कोई नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे थंबनेल के लिए थोड़ी फोटो वगैरह ले रहा था, फोटोज वगैरह ले रहा था, वो मैंने ले ली है। अभी चलते आगे। स्वेटर मैंने निकाल दिया है, काफ़ी गर्मी। अभी नीचे भी स्वेट शर्ट पहन रखी थी और उसके ऊपर फिर एक और स्वेटर था, तो चढ़ते चढ़ते एकदम पसीना पसीना हो गया था पूरा। इसलिए अभी जो सूर्य मंदिर है वो भी आने वाला है, पर मैं इससे भी ऊपर जाऊँगा, इससे ऊपर जाऊँगा। इस पहाड़ के पीछे कुछ है डैम, वहाँ पे जाऊँगा और देखता हूँ फिर आगे आगे जो जो दिखता रहता है वैसे वैसे चलता जाऊँगा। ये है सूर्य मंदिर, महादेव जी का मंदिर पीछे की साइड में है। आगे चट्टाने वट्टाने, मंदिर भी बंद है दूर से। ऐसे ऊपर जगह पे पैर ऐसे लटका के बैठने में अलग मजा आता है। अभी मैं चलता हूँ आगे की साइड, थोड़ा डीप जंगल में जाना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल के आ गई है, इसलिए धूप के अंदर अपने से ट्रैकिंग नहीं होती। मैं थोड़ा अंदर ही चला जाऊँगा जंगल के। ये यहाँ पे पता नहीं, जिसको भी पता हो ना कि इसका नाम क्या होता है, इस ट्री बोलते, प्लांट बोलते, जो भी इसको बोलते, पौधा जो भी इसको बोलते हैं, आई डोंट नो इसका नाम क्या है। किसी को भी अगर पता हो तो मुझे इसका नाम बताना। पिछले 2-3 साल हो गए मैं इसको देखता आ रहा हूँ, बट अभी तक इसका नाम नहीं पता। इसको तोड़ते तो इसके अंदर से ऐसा मतलब काटे हैं इसके ऊपर कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा इस पहाड़ के ऊपर मानोगे नहीं, यही है, यही है, बट है क्या ये मुझे बता नहीं है, तो एक बार आप बताना, किसको भी पता हो तो बताना। सामने जो वाइट वाइट कलर की जो दीवार दिख रही है, इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। ये देखो सारे सारे चारों तरफ ज़्यादातर यही है। धूप आ गई है गाइस, धूप धूप नहीं है पसंद, धूप के अंदर नहीं होती ट्रैकिंग। गलती मेरी भी, मैं थोड़ा लेट आया क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी। कोई बात नहीं, अंदर चले जाऊँगा। आगे का जो दिख रहा, पर यार सूख गया वो रास्ता भी सारा। खैर चलते हैं। यही है वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था, पिसवान जी महादेव की। अभी आगे से उस साइड से जाऊंगा मैं ऊपर। और इतना जो ट्रैक था वो तो सही था, बट आगे का जो ट्रैक है ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा डरावना है। डरावना तो क्या ही है मतलब, हाँ इधर कोई सांप वाप मिल जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, या फिर हो सकता है कोई लेपर्ड वगैरह। ये देख लो तुम, ये पत्ते वत्ते देख के पता चल रहा होगा, इतनी देर ऐसा कुछ नहीं आया।
ये मैं बात कर रहा था डीप जंगल, ये वो डीप जंगल। काफ़ी दिनों बाद यहाँ आया हूँ तो सही से रास्ता भी याद नहीं है। होना इसलिए थोड़ा संभल के जाना पड़ रहा है क्योंकि देखो जंगल है, लेपर्ड चीता वगैरह ऐसे तो कुछ कोई नहीं कहता। ट्रैकिंग हम करते रहते तो हमने ट्रेनिंग भी ली है थोड़ी बहुत, कैसे बचना होता है, कैसे क्या करना होता है। बट फिर भी आज अकेला हूँ तो थोड़ा सा डर तो मेरे को लग रहा है। दोस्त रहा कार्तिक, मैंने उसको बोला था भाई चलते अपन, और वो आ भी रहा था बट उसकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई थी कॉलेज की और फिर वो लेट हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि अकेले जा के आता हूँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा ना उसके अंदर उसको साथ लेके जाऊँ। हो तर पिछले 10 मिनट से मैं यहाँ पे बैठा था, अपने मतलब पानी वानी पी रहा था, एक अजीब सी आवाज़ आ रही है ऐसे करके, या तो पक्का कोई सांप है, गड़बड़ है वहाँ पे कुछ। तो मैं अभी आगे की तरफ आ गया, अकेला हूँ, फालतू में पंगा नहीं लेना। अरे भैंस के डंग, ये देखो फिर से आके ये दिखता ही रहता, साला नाम इसका पता नहीं। सही रास्ते पे तो हूँ क्या मैं? कभी महसूस किया है ऐसा सन्नाटा? मेरे अलावा किसी की आवाज नहीं है, किसी की भी। इसलिए तो लोग आते हैं पहाड़ों में। जंगल में सन्नाटा दो ही चीज़ों की निशानी होती है, या तो कुछ खतरनाक जानवर है आसपास बता रहा हूँ, या फिर कोई नहीं है। क्योंकि निशानी क्या होती है, अगर कोई लेपर्ड भालू वगैरह कोई अपने पास होता है आसपास होता है तो चिड़िया वगैरह चहकने लगती है और अलग से एक पीक निकालती है वो, जिससे क्या पता चल जाता है क्या ही होगा यहाँ पे। वहाँ पे बकरियाँ चल रही है यार, बकरियाँ, इसका मतलब यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पे मज़े आया करो यार तुम, ये सिरोही में जो भी मेरा व्लॉग देख रहा आया करो, यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह करने आया करो, कोई डर नहीं है, मैं अकेला आया हूँ। जो मेरे दोस्त बोल रहे थे आया करो तुम भी यार, डरने वाली कोई बात नहीं। बकरियाँ वहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी देर से मैं पीछे वहाँ पे बैठा था, रेस्ट कर रहा था थोड़ा, अभी मैं थोड़ा आ गया हूँ। तुम सबको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से, अभी दिखाता हूँ, देखो